फ्रेंड्स, सपना क्राफ्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक क्रोचेट से बुना हुआ बास्केट का मोटिफ रखा है आपके सामने। आज मेरा ट्यूटोरियल इस बास्केट मेकिंग पर ही है। तो इससे पहले कि मैं अपना ट्यूटोरियल शुरू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो जाके रेड बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। ये जो है बास्केट, मैंने एंकर के टैटिंग, जो थ्रेड होता है टैटिंग का, उसकी बनाई है। और सिखाने के लिए मैंने ये निटिंग यार्न कॉटन का जो एंकर का होता है वो मैंने लिया है। तो ये जो है वो थोड़ा मोटा है, क्योंकि सिखाने के लिए मैं थोड़ा मोटा ही सिलेक्ट करती हूँ यार्न, तो इसलिए इसका साइज़ जो है बास्केट का, इस बास्केट से बड़ा बनेगा। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, मुझे इन टोटल 41 चेन्स मैंने डालनी है। 41 चेन्स मैंने डाल दी हैं इसमें। अब ये मैंने पहले ही डाल के रखी हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 7 चेन तक काउंट करेंगे, यहाँ से नीचे को 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे ये हमारी 7 चेन्स काउंट करी मैंने, और यहाँ पे मैंने ये मार्कर रख दिया। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप कोई धागा भी फंसा सकते हैं इसमें। अब ये मैंने मार्कर रख दिया, इससे आगे फिर हम क्या करेंगे, ये मैंने सेवंथ चेन पे जो है वो मार्कर रख दिया है। अब इससे आगे हम 3 चेन्स और काउंट करेंगे। ये सेवंथ थी हमारी, तो ये 1 2 3 चेन्स और हमने छोड़ देनी है। और जो फोर्थ चेन है उस पे हमने सिंगल क्रोशिया से इसको फिल कर देना है। सिंगल क्रोशिया से हमने ये डाल दिया। अब हम मार्कर को हटा देंगे, क्योंकि मार्कर का अब कोई काम नहीं है, यही हमने यहाँ तक ही इसको जरूरत थी मार्कर की। अब फोर्थ चेन में हमने सिंगल क्रोशिया से डाल दिया, फिफ्थ में भी हम सिंगल क्रोशिया से फिल कर देंगे इसको। फिफ्थ में भी सिंगल क्रोशिया से हमने डाल दिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फिर से हम 6 चेन्स डालेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 6 चेन्स डाल के फिर से 3 चेन्स काउंट करेंगे, 1 2 3, और फोर्थ में हम सिंगल क्रोशिया से डाल देंगे। फोर्थ में भी डालेंगे और फिफ्थ में भी डालेंगे। फिर से 6 चेन्स डालेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन्स डाल के इसके आगे फिर 1 2 3 चेन्स हम काउंट करेंगे, 1 2 3, और फोर्थ और फिफ्थ में हम सिंगल क्रोशिया से फिल कर देंगे। ये फोर्थ और फिफ्थ में सिंगल क्रोशिया से फिल कर दी। फिर से हम 6 चेन्स डालेंगे, 2 3 4 5 6, और फिर से 3 चेन्स गिनेंगे, 1 2 3, और फोर्थ में हम इसको सिंगल क्रोशिया से डाल देंगे, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। 1 2 3 4 5 6, फिर से फोर्थ और फिफ्थ में हम सिंगल क्रोशिया से इसको डाल देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6, और फिर फोर्थ में और फिफ्थ में हम फोर्थ चेन में और फिफ्थ चेन में हम सिंगल क्रोशिया से फिल कर देंगे। अब हमारे पास फ्रेंड्स 4 चेन बची हैं। अब फिर से हम 6 चेन डालेंगे, 3 4 5 6, और 3 चेन छोड़ के लास्ट की चेन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया से फिल कर देंगे। तो ये हमारा जो है फाउंडेशन चेन के बाद फर्स्ट रो जो है वो हमारी डल गई है। इससे आगे अब हम ये वाली रो डालेंगे, ये वाली रो। अब उसमें हम क्या करेंगे, 3 चेन्स हम डालेंगे।
अब आप जैसे जैसे मैं आपको बोलूँ आप बिल्कुल ही वैसे फॉलो कीजिए। चेन थ्री चेन्स हम डालेंगे और इसको रिवर्स कर देंगे। और अब देखिए, अब हमने जो ये सिक्स चेन वाली लूप है इसमें हमने इसको इनको पूरी फिल करना है, पूरी रो को फिल करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये पहले सबसे पहले हम ये सिंगल चेन वाली जो लूप जो सिक्स चेन वाली लूप है उसको हम फिल करेंगे। तो इसमें एक हमारा ये हो गया थ्री चेन वाला स्पोक हो गई। अब उसमें हम फिर नेक्स्ट डालेंगे डबल क्रोशिया की स्पोक नेक्स्ट चेन में, फिर उससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया की स्पोक डाली। अब ये थ्री हमारी स्पोक्स डल गई हैं। अब दो चेन हम फिर से डालेंगे और नेक्स्ट की जो चेन्स हैं थ्री उनमें हम थ्री स्पोक्स डबल क्रोशिया की डाल देंगे। वो एक हमने डाल दी, अब ये दो और ये तीन। फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये ऐसे जो फर्स्ट लूप थी वो ऐसे फिल हो गई। हमने पहले तीन स्पोक्स डाल दी डबल क्रोशिया, एक जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक स्पोक तो ये जो तीन चेन वाली है ये बन जाती है। उसके बाद दो स्पोक्स हमने डबल क्रोशिया की डाली और फिर दो चेन डाल के फिर थ्री स्पोक्स डबल क्रोशिया की डाल दी। तो ये एक हमारी लूप जो है वो फिल हो गई। अब उससे आगे भी नेक्स्ट हम लूप क्या करेंगे, इसी तरह फिल करेंगे। जब हम नेक्स्ट लूप फिल करेंगे तो बीच में हम कोई भी चेन नहीं डालेंगे, बिना चेन डाले हम नेक्स्ट लूप की ओर चले जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। फिर डबल क्रोशिया से तीन स्पोक्स, तीन चेन के ऊपर तीन स्पोक्स डाल देंगे। ये तीन चेन्स के ऊपर मैंने तीन स्पोक्स डाल दी। अब फिर से दो चेन्स डालेंगे और फिर जो बाकी के तीन चेन्स हैं सेकेंड लूप की उसको भी हम डबल क्रोशिया से फिल कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने सेकंड लूप भी फिल कर दी। इसी तरह मैं ये सारी की सारी लूप जो है वो फिल करूंगी। अब जब मैं नेक्स्ट लूप में शिफ्ट करूंगी, बिना चेन डाले शिफ्ट करना है, और जो ये सिक्स चेन्स हैं फर्स्ट थ्री हमने डबल क्रोशिया से फिल करनी है, फिर दो चेन डालनी है, फिर बाकी की जो थ्री हैं चेन्स उनको डबल क्रोशिया से फिल करना है और ये हमारा एक लूप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपको ये पूरी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सेकंड रो जो है वो डल गई है, कंप्लीट हो गई है। ये वाली रो जो थी, ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। इसमें आपको बड़ी बड़ी दिख रही होगी, इसमें बास्केट का जो ये मोटिफ है ये बड़ा बड़ा बनेगा। तो अब इससे आगे हम कैसे बनाएंगे इसको। अब ये मेरी रो कंप्लीट हो गई। अब जैसे ये थ्री चेन्स डाली हैं, इसी तरह हम थ्री चेन्स डालेंगे, टू थ्री और टर्न कर देंगे। थ्री चेन्स डालने के बाद फिर क्या करेंगे हम, ये जो बीच का ये आपको दिख रहा है होल जैसा, जो स्पोक्स के बीच में ये होल है, इसको हम फिल करेंगे। तो इसको कैसे फिल करेंगे हम, इसमें पहले हम थ्री स्पोक्स जो हैं वो सिंगल क्रोशिया की डबल क्रोशिया की हम डाल देंगे। थ्री स्पोक्स डबल क्रोशिया की डाल दी मैंने ये, फिर से टू चेन्स लेंगे और फिर से इसी होल को फिर से तीन बार सिंगल डबल क्रोशिया से, सॉरी मैं भूल जा रही हूँ, डबल क्रोशिया से, याद रखें कि डबल क्रोशिया से फिल करना है, डबल क्रोशिया से फिल करेंगे। सेम होल को पहले एक बार डबल क्रोशिया से तीन स्पोक्स डाली, फिर दो चेन डाली, फिर तीन स्पोक्स जो है वो डबल क्रोशिया की हमने उसी होल में हमने ये ऐसे डाल दी। अब नेक्स्ट जो हमारा है वहाँ पे पहले हमने यहाँ इस लूप से जब इस लूप में शिफ्ट किया था तो हमने कोई भी चेन नहीं डाली थी। अब क्या करेंगे हम, जब नेक्स्ट उसमें शिफ्ट करना है तो हम एक चेन डाल देंगे। एक चेन डालने के बाद फिर से इसी तरह इस वाले होल को फिल करेंगे। ये तीन स्पोक्स डबल क्रोशिया की डाल देंगे, ये तीन स्पोक्स डबल क्रोशिया की मैंने डाल दी।
फिर दो चेन्स लेंगे, फिर तीन बार डबल क्रोशिया से उसी सेम होल को हम तीन बार फिर फिल करेंगे डबल क्रोशिया से, ये दो और ये तीन। अब हम एक चेन डालेंगे, जब नेक्स्ट उसमें जंप करना है तो नेक्स्ट लूप में हमने जंप करना है तो एक चेन डालनी है, फिर से हम ऐसे ही फिल करेंगे, तीन बार डबल क्रोशिया की स्पोक्स डालेंगे, फिर दो चेन्स लेंगे, फिर हम उसी होल में तीन बार फिर से डबल क्रोशिया की तीन स्पोक्स डाल देंगे। और इसी तरह हम जो है वो पूरी रो को ऐसे ही, अब ऐसे ही बनेगा, दिख रहा है ऐसे ही बनेगा। तो ये मैं पूरी रो आपको अभी कंप्लीट करके बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें फिर से हम क्या करेंगे, थ्री चेन्स डालेंगे। जब भी हमने उसको टर्न करना है तो थ्री चेन्स डाल के ही हमने टर्न करना है। तो अब हम फिर से थ्री चेन्स डालेंगे। ये थर्ड रो कंप्लीट होने के बाद फिर से तीन चेन डाली, थ्री चेन्स डाली और हमने ये टर्न कर लिया। और फिर से ये जो है, ये जो इन दोनों के बीच का ये जो हमने ये चेन्स डाल के होल बनाया है, इसी को ही हम फिल करेंगे। अब इसमें पहले हमने बिल्कुल चेन नहीं डाली थी, एक भी चेन नहीं डाली थी, फिर हमने एक चेन डाल के इन दोनों को सेपरेट किया। अब हम नेक्स्ट कैसे करेंगे, दो चेन्स डालेंगे। तो पहले हम इसको फिल कर लेते हैं। तो इसमें भी हम डबल क्रोशिया की थ्री स्पोक्स डाल देंगे, डबल क्रोशिया की थ्री स्पोक्स डाली, फिर टू चेन्स हमने डाल दी, टू चेन्स, फिर से उसी होल को डबल क्रोशिया की थ्री स्पोक्स से फिल करेंगे, ये टू और ये थ्री, ये थ्री। फिर से ऐसे हमने इसको फिल कर दिया। अब पहले हमने एक भी चेन से जो सेपरेट किया था तो बिल्कुल भी कोई चेन नहीं डाली थी। सेकंड रो में हमने एक चेन डाली है, अब हम दो चेन डालेंगे और उसी तरह हम फिल करते जाएंगे कि थ्री स्पोक्स हमने डबल क्रोशिया की डाल के सेम फिर उसको होल को हमने ये थ्री स्पोक्स डाली, फिर दो चेन डाली, फिर सेम होल को थ्री स्पोक्स ऑफ डबल क्रोशिया से ही फिल करना है। और नेक्स्ट भी हमने पहले पिछली रो में एक चेन ली थी तो हमने दो चेन लेनी है और वैसे ही हमने पूरी रो कंप्लीट कर देनी है। तो मैं ये आपको पूरी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी नेक्स्ट रो भी कंप्लीट हो गई है। अब फिर नेक्स्ट रो से हम कैसे डालेंगे, टर्न करना है तो हमने ये तीन चेन्स डाल दी हैं। अब ये थ्री चेन्स डालने के बाद हम टर्न करेंगे, ये थ्री चेन्स डाली, अब फिर से टर्न किया और फिर इस वाली इसको ऐसे ही फिल करेंगे, इस वाले होल को जैसे हमने ये वाला फिल किया, ये वाला फिल किया, इसी तरह इसको भी फिल करेंगे। तीन चेन्स हमने डाली, फिर थ्री स्पोक्स जो हैं वो हमने डबल क्रोशिया की डालनी है और दो फिर चेन्स डालनी है, फिर उसी होल में हमने थ्री स्पोक्स फिर से डबल क्रोशिया की डालनी है, ये तीन मैंने डाल दी, और फिर पहले हमने कोई भी चेन नहीं डाली थी, फिर एक चेन डाली, दो चेन डाली, अब हमने तीन चेन्स डालनी है। बाकी वैसे ही बुनना है, जो बीच का ये है, जो एक रो, एक जो ये जो हमारी लाइन है जो दूसरी लाइन से सेपरेट होती है, वहां पे हमने थ्री चेन्स डालनी है। पहले एक डाली, फिर दो, अब तीन। तो अब हम ये तीन चेन्स डाल के और फिल वैसे ही करेंगे, तीन जो स्पोक्स है डबल क्रोशिया की। ये तीन स्पोक्स डबल क्रोशिया की, फिर दो चेन्स,
फिर 3 स्पोक्स डबल क्रोशिया की उसी सेम होल में हमने डालनी है और फिर उसे फिल करना है, और फिर नेक्स्ट उसमें जंप करना है हमने, तो जो सेपरेट करना करेगा उसके लिए हमें 3 चेन्स डालेंगे, 3 चेन्स से ये सेपरेट होगा, और इसी तरह हम पूरी रो कंप्लीट कर देंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि 3 चेन से हमने टर्न किया और फिर इस वाले होल को फिल किया। जैसे मैंने बार बार आपको बोला कि 3 स्पोक्स डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 स्पोक्स डबल क्रोशिया। फिर पहले हम 2 चेन डाली थी हमने प्रीवियस रो में, अब हम 3 चेन डालेंगे और वैसे ही फिल करेंगे। इस तरह हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ 2 की जगह 3 चेन हम डालेंगे। तो पूरी रो कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से 3 चेन हमने डाली हैं, अब हम इसको फिर से टर्न करेंगे और फर्स्ट इसमें फिल करेंगे डबल क्रोशिया से, 3 स्पोक्स डालेंगे, ये 2 और ये 3, फिर से 2 चेन डालेंगे और उसी वाली जगह पे डबल क्रोशिया से 3 स्पोक्स और डालेंगे, 2 और ये 3। अब हमने यहाँ पे कोई भी चेन नहीं डाली, फिर 1 चेन डाली, फिर 2 डाली, 3 डाली, अब हम 4 चेन्स डालेंगे, 2 3 4 डाल के फिर से वैसे ही फिल करते जाना है और पूरी रो हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। तो ये पूरी रो हमने इसी तरह बनानी है, बस बीच के गैप में जो है वो 4 चेन्स डालनी है, बस इतना ही डिफरेंस है और पूरी की पूरी रो हम वैसे ही कंप्लीट कर देंगे। तो मैं ये आपको अभी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये हमने 4 चेन, कोई भी चेन नहीं, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन और 4 चेन, और ये सेपरेट जो गैप है 2 इसमें वो बढ़ता जाएगा। ये फ्रेंड्स, ये रो भी कंप्लीट हो गई और मैंने लास्ट में जो है वो 3 चेन डाल दी हैं। अब हम इसमें फिर से टर्न करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट हमारी रो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, तो फर्स्ट वाला तो हम वैसे ही फिल करेंगे कि हम 3 स्पोक्स तो डबल क्रोशिया की डालेंगे, और फिर 2 चेन्स डालेंगे, फिर उसी को हम 3 स्पोक डबल क्रोशिया से फिल कर देंगे हम। ये जो फर्स्ट वाला था वो तो हमने ऐसे ही फिल किया। अब यहाँ पे हमने 4 चेन्स डाली थी, अब आप ये सोचेंगे कि शायद 5 डाल के फिर आगे वैसे बढ़ेंगे, अब वैसा नहीं है, अब थोड़ा सा चेंज है। अब 4 तक मैक्सिमम हमने डालनी थी, अब क्या करेंगे, अब हम थोड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट कर देंगे। तो 4 से अब हम फिर से 3 पे आ जाएंगे, 1 2 और 3, और जो ये वाला है नेक्स्ट, जो ये आप समझ लीजिए, रो समझ लीजिए या जो भी है कॉलम समझ लीजिए, इसको फिल करना है, तो इसको हमने ऐसे फिल नहीं करना है, इसको थोड़ा आप डिफरेंट स्टाइल से फिल करेंगे। इसमें हम 10 बार ट्रेबल क्रोशिया से फिल करेंगे, 10 बार सेम होल में ट्रेबल क्रोशिया से फिल करेंगे, कोई भी चेन का हम बीच में गैप नहीं डालेंगे। जब 10 बार हम ट्रेबल क्रोशिया से फिल करेंगे, आप देखें कैसे करेंगे, ये हुक पे हमने 2 बार जो है वो यान को लपेट दिया और इसमें होल में डाला, और फिर 2 से 1 2 से 1 और ये 2 से 1, ये एक ट्रेबल डल गया। इसी तरह हमने पूरा का पूरा ये 10 ट्रेबल डाल के फिल करना है, चेन हमने बीच में कोई भी नहीं डालनी है। ये 2 ट्रेबल और ये तीसरा और ये 4 हो गए, ये 5वां, ये 2 बार लपेटा फिर डाला, और ये 2 से 1 2 से 1 और ये 6ठा ट्रेबल। इसी तरह हमने 4 और इसी होल में डालने हैं, ये हमारा 7 डल गए, अब ये 8 ट्रेबल डाल दिए मैंने, 2 हम और डालेंगे, ये 9
9 और ये लास्ट वाला 10। तो ये 10 हमने ट्रेवल इसमें हमने ये डाल दिए। अब फिर से हम क्या करेंगे, 3 चेन्स लेंगे। अब नेक्स्ट वाले में हम इसको ऐसा फिल नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाला ऐसा फिल करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाला ऐसे फिल करेंगे। ऐसे ही हम रिपीट करके पूरी रो कंप्लीट कर देंगे। तो मैं आपको पूरी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ अभी। फ्रेंड्स, मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें आप ये देखिए कि इसमें पहला तो वैसा ही डाला जैसे नीचे से हम डालते हैं, और हर ऑल्टरनेट उस वाले में हमने 10 जो है वो ट्रेबल क्रोशिया के से फिल किया है। फिर से वैसे सिंपल फिल किया है, और चेन जो है वो नंबर ऑफ चेन्स वो जो 3 कर दी हैं, 4 से 3 कर दी हमने, डिक्रीज कर दिया है और वैसे फिल किया। फिर उससे नेक्स्ट वाले को 10 बार ट्रेबल क्रोशिया से फिल किया। हर ऑल्टरनेट वाले कॉलम को हमने ट्रेबल क्रोशिया से फिल किया है। ये 3 जो है वो ट्रेबल क्रोशिया से फिल किए हैं, और जो 4 हैं वो हमने जैसे नीचे से हम फिल करते आए वैसे हमने फिल कर दिया। तो अब नेक्स्ट रो हम कैसे डालेंगे, इसमें मैंने ये देखिए 3 चेन्स डाल दी हैं। फिर टर्न करेंगे और वैसे ही 3 स्पोक्स डबल क्रोशिया की डाल के 2 चेन्स डाल के फिर से 3 स्पोक से सेम उसको फिल करेंगे। ये हमने डाल दिया, तो यहाँ पे 3 चेन्स थी। तो अब हमारी जो है वो 2 चेन्स डालेंगी। 3 से अब हम फिर डिक्लाइनिंग ऑर्डर में हैं, तो 2 चेन्स हमने डाल दी। अब जो ये ट्रेबल क्रोशे वाला था उसमें हर स्पोक के ऊपर हम ट्रेबल क्रोशिया से ही इसको डालेंगे। हर स्पोक के ऊपर ट्रेबल क्रोशिया की स्पोक डालेंगे ऐसे, पर दोनों के बीच में हम एक चेन का गैप दे देंगे। पहले हमने कोई गैप नहीं दिया था, सिंपली हमने 10 बार ट्रेबल क्रोशिया से फिल किया था बिना गैप के। अब हम इन 10 के ऊपर फिर से ट्रेबल क्रोशिया से इसको फिल करेंगे, पर गैप देंगे एक चेन का। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 2 डल गई, फिर चेन डाली, फिर नेक्स्ट वाले में हमने ट्रेबल क्रोशिया से 3rd स्पोक डाली, फिर चेन डाली, फिर नेक्स्ट वाली में ट्रेबल क्रोशिया से फिर से स्पोक डाली, फिर से चेन डाली, फिर ट्रेबल क्रोशिया, फिर से चेन, फिर ट्रेबल क्रोशिया, ये ट्रेबल क्रोशिया से फिर चेन, फिर ऐसे ही ये 10 की 10 स्पोक्स में हमने ट्रेबल क्रोशिया से फिल करना है, पर बीच में जो गैप है वो एक चेन का हमने दे देना है। ये फिर से चेन डाल के ये ट्रेबल क्रोशिया से ये चेन डाली, और ये सेकंड लास्ट ट्रेबल क्रोशिया, फिर चेन डाली, फिर से लास्ट ट्रेबल क्रोशिया। ये हमारे, ये देखिए, ये इस तरह दिखेगा। ये हमने 10 जो थे, अभी आपको दिखाती हूँ अच्छे से, ये जो 10 थे ट्रेबल क्रोशिया ये हमने बिना चेन के गैप से डाले थे। अब उनके ऊपर फिर से 10 डाले हैं, पर गैप हमने एक चेन का दिया है, तो जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। और चेन हम 3 से हमने फिर से 2 कर देनी है, और वैसे ही पूरी की पूरी रो फिल करनी है। इसको ऐसे ही डालना है, नेक्स्ट वाले को जैसे हर मैंने बोला हर ऑल्टरनेट वाले को हमने ऐसे बनाना है। तो ये भी मैं पूरी रो करके आपको दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स, ये मेरी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, जो ट्रेबल क्रोशिया था उसके ऊपर हमने ट्रेबल क्रोशिया की स्पोक्स डाली हैं, पर बीच में हमने एक एक चेन का गैप दे दिया है।
अब मैं फ्रेंड्स इसे नेक्स्ट रो स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके बाद मैं फिर ये ऑलमोस्ट हमारी हाफ जो बास्केट है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट का पोर्शन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो चलिए अब आगे वाली लाइन को मैं कवर करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ, और फिर आप यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और तब तक मैं इसका जो कंक्लूडिंग पार्ट है इस वीडियो का वो मैं लेके आ जाऊंगी एकदम से। तो हमने फिर से ये तीन चेन डाली है, टर्न किया है, वैसे ही यहाँ पे स्टार्ट करना है। तीन जो स्पोक्स हैं हमने डबल क्रोशिया की डालनी है, फिर दो चेन्स लेनी है, फिर से वहीं पे हमने तीन स्पोक्स फिर से डबल क्रोशिया की डाल देनी है, फिर से हमने दो चेन्स डालनी है। दो चेन डाल के हम फिर अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी रो है वो कैसी डालनी है कि हम फिर से ट्रेबल क्रोशिया डालेंगे। अब ये जो बीच के गैप हैं, जो ये ट्रेबल क्रोशिया की बीच की दो स्पोक्स के बीच का गैप है, इसको हम फिल करेंगे। तो इसको फिल करने के लिए हम ट्रेबल क्रोशिया से ही फिल करेंगे। तो क्या कैसे करेंगे, ट्रेबल क्रोशिया डालेंगे पर लास्ट का हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, ऐसे ही हुक पे दो लूप्स को हम छोड़ देंगे और फिर से हम दो बार यार्न को हुक पे लपेट कर फिर से इसी में डालेंगे ट्रेबल क्रोशिया की तरह, और फिर से ये हमारी तीन लूप्स होगी। मतलब ये जो ट्रेबल क्रोशिया की स्पोक है इसको हमने पूरी तरह बंद नहीं करना है, फिर ऐसे ही लूप छोड़ देनी है। फिर ट्रेबल क्रोशिया की थर्ड स्पोक डालेंगे, फिर दो का एक, दो का एक, फिर ये हमारे पास हुक में पर लास्ट में चार जो लूप्स बचनी चाहिए, फिर इसको हम इकट्ठा ही ऐसे बंद करेंगे ऐसे। तो ये जो हम पूरा जो है ये इस तरह ही फिल करेंगे, इस चीज को हम इस तरह फिल करेंगे। मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दी है ऑलमोस्ट, अब लास्ट का थोड़ा सा रह गया। फिर से मैं आपके सामने रिपीट करती हूँ कि ये जो दो बीच के दो ट्रेबल के बीच का गैप है इसको हम कैसे फिल करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। एक बार फिर से मैं धीरे धीरे आपके सामने डाल के दिखाती हूँ कि जैसे एक ये गैप फिल कर दिया हमने, फिर एक चेन डालनी है, फिर से दो बार यार्न को हुक पे लेना है और इस वाले गैप में हमने डाल देना है ये जो क्रोशिया, ये वाला हुक है दो स्पोक्स के बीच का जो गैप है इसमें हुक डाला, और ऐसे हमने दो का एक, दो का एक, पर ये हमने जो स्पोक है कंप्लीट नहीं करनी है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर से दो बार लपेट देंगे, फिर से उसी में डालेंगे गैप में, और फिर दो से एक, दो से एक, और इसको भी हम कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम थर्ड स्पोक डालेंगे डबल क्रोशिया की, ट्रेबल क्रोशिया की, ऐसे दो का एक, दो का एक, और ये तीन जब स्पोक्स ऐसे बन गई और चार लूप्स हमारे हुक पे आ गई, तब हम इसको कंप्लीट कर देंगे फिर ऐसे। तो ये ऊपर से ये ऐसी शेप आ जाती है जैसे इकट्ठे हमने ये बंद किए हैं। तो फिर ये चेन लेंगे हम, फिर नेक्स्ट भी इसी तरह गैप फिल करना है ट्रेबल क्रोशिया से। ये हमने एक डाली, कंप्लीटली बंद नहीं करनी है, फिर दो बार लपेटा, फिर सेकंड स्पोक डालनी है, इसको भी हमने कंप्लीटली बंद नहीं करना है, फिर थर्ड स्पोक डालनी है सेम गैप में, और जब हम थर्ड स्पोक डाल लेंगे तो चार जब हमारे क्रोशिया हुक पे चार लूप्स रह जाएंगे तो हम इसको फिर कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा ये पूरा हो जाता है। अब इसके बाद फिर से दो चेन्स लेंगे और इसको वैसे ही फिल करना है जैसे हमने सारे फिल किए थे। ये थ्री जो स्पोक्स हैं डबल क्रोशिया की डालकर दो चेन्स डालेंगे, फिर डबल क्रोशिया से तीन बार फिल करेंगे उसी होल को। तो ये हमारी इस तरह से ये रो भी कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए ये हमारी ये रो कंप्लीट हो गई।
तो ये ऑलमोस्ट जो है हमारी हाफ बास्केट बन चुकी है। तो फ्रेंड्स ये हाफ जो है वो मोटिफ बन गया है बास्केट का। तो अब आप साइज में भी डिफरेंस देख सकते हैं कि ये हमने थिक या मोटा वाला यार्न जो लिया था उसकी वजह से ये वाला जो इस बास्केट का साइज जो है वो बड़ा है, इसका छोटा है। वो आप टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है और आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स मैं बहुत जल्दी इसका जो कंक्लूडिंग पार्ट है इस वीडियो का वो लेके आपके सामने आती हूँ। तब तक आप यहाँ तक इसको बनाइए, यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसको मिस ना कीजिए, क्योंकि वो इसका कंक्लूडिंग पार्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ उसे मिस ना कीजिए। दोनों वीडियोज जो है वो बहुत, दोनों ट्यूटोरियल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो मैंने इससे पहले फ्लावर मेकिंग पे ट्यूटोरियल दिया था वो भी इससे ही मैं वो रिलेट करूँगी। आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग जो हमारा प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो फ्रेंड्स आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी क्राफ्टिंग फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू।